life. कहाँ जा रही हो? अरे सुनो ना, कमल, कमल नाम है उसका। हम लोग अच्छे पड़ोसी थे। ड्रीम वैली में बंगलो नंबर 7 में रहता था कमल, अपनी पत्नी पुष्पा के साथ। पुष्पा को दमे की खतरनाक बीमारी और फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था। कमल, पुष्पा को वीकनेस काफी हो गई है। 24 घंटे यहां रहने वाली अगर कोई नर्स अरेंज कर सको तो। कौन है ये? नर्स है। पागल हो गई हो तुम? किसी भी सड़क चलती लड़की को घर पर ले आओ? कौन है, कहां से आई है, क्या जानती हो तुम इसके बारे में? जितना पता होना चाहिए था मुझे सब पता है, बस काफी। पुष्पा, इसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया गया? उसकी कोई जरूरत लगती नहीं मुझे। राम की खा रहे हो तुम? अपनी जबान को लगाम दो पुष्पा। नहीं तो क्या बोलो? कहाँ जा रहे हो? रुको! ये क्या कर रहे हैं आप? ये तो बीमार है, लेकिन आप? तुम चुप रहो, वरना क्या? हाँ, क्या करोगे इसके साथ? इसे भी मारोगे? एक्टिंग अच्छी कर लेती हो। What do you mean? तुम भी तो अच्छी एक्टिंग करते हो। और ऐसे ही अनैतिक चाहते हैं हमारे बीच हो रहे कितने ही अपराधों को जन्म देना। कोई जानवर आएगा और हम दोनों के बीच का कांटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मिस्टर कमल, आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। व्हाट? कैसे? अभी कुछ देर पहले हाईवे पर एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया है। बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको हमारे साथ सिटी मॉर्ग चलना पड़ेगा। राधिका, पुलिस का कहना है कि पुष्पा की बॉडी पोस्टमार्टम के बाद मिलेगी। तो पोस्टमार्टम से डरने की क्या बात है? तुम तो ऐसे बात कर रहे थे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम हो गई है ना, पुलिस का कहना है कि पुष्पा की मौत एक्सीडेंट से हुई है। व्हाट? हाँ, सवाल तो ये है कि हमने तो लाश जंगल में फेंकी थी, फिर वो सड़क तक कैसे पहुंच गई? ये एक्सीडेंट वाली बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। पुष्पा की मौत जहर पीने से हुई थी, एक्सीडेंट से या हमारे मारने से?